खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें ममता बनर्जी पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। बीजेपी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और बीजेपी के वो तमाम कद्दावर नेता जिनके दम पर भारतीय जनता पार्टी देश में प्रचंड बहुमत हासिल की, वो सब तो फेल नजर आते दिखे जब ममता ने बंगाल में अपनी सियासी हुंकार भरी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई है। शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें करीब 1700 मतों से चुनाव हराया है। ममता और उनकी पार्टी ने कहा कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। TMC सुप्रीमो भले ही चुनाव हार गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने में कोई परेशानी नहीं है। इसके पीछे की पूरी वजह जान लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। अनुच्छेद 164(4) कहता है, एक मंत्री जो लगातार 6 महीने तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ममता को 6 महीने में किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आना होगा। 2011 में भी जब ममता बनर्जी ने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, तब वो संसद सदस्य थी। ममता ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। कुछ महीनों बाद वो भवानीपुर से चुनाव लड़ी। कांग्रेस नेता और कानूनी विशेषज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी की माने तो कानूनी रूप से और नैतिक रूप से किसी को भी ममता बनर्जी के CM बनने और 6 महीने के भीतर चुने जाने पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई इसे मुद्दा बनाता है तो ये भारतीय संविधान के ज्ञान की कमी को दर्शाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे अहम माने जाने वाली सीट नंदीग्राम पर आखिर BJP के शुभेंदु अधिकारी को जीत मिल गई। दिलचस्प बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं और उनकी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री रह चुके हैं। चुनावों से पहले TMC छोड़कर BJP का दामन शुभेंदु अधिकारी ने थाम लिया था। 2016 के विधानसभा चुनावों में भी नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी ने जीती थी। रविवार को हुई मतगणना में नंदीग्राम सीट पर आखिर तक सस्पेंस बना रहा। शाम होते होते मीडिया में पहले रिपोर्टें आई कि ममता बनर्जी के 1200 मतों से चुनाव जीतने की खबर आई है। उसके बाद खबर आई कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भले ही ममता बनर्जी चुनाव हार गई हों, पर ममता ने जीता है लोगों का भरोसा। आपको बता दें कि TMC लगातार बंगाल में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ये जीत ममता बनर्जी को गैर भाजपा गैर कांग्रेस समूह में राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाता है। पूरे चुनाव में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत BJP के तमाम राष्ट्रीय नेताओं को चुनौती देती दिखी। ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में पेश करने के अभियान पर ध्यान केंद्रित किया। इससे सरकार को लेकर सत्ता विरोधी माहौल कम हुआ। देशहित की खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।